हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस गले को बनाने के लिए सबसे पहले हम बोट शेप नेक ड्रॉ करेंगे, जिसकी चौड़ाई 4 इंच और लंबाई में 4 इंच ले रही हूँ। बोट शेप नेक की आप चौड़ाई जितनी मर्जी ले सकते हैं, 5.5 इंच तक आप चौड़ाई ले सकते हैं इसकी, लेकिन लंबाई इसकी 4.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये गोल गले जैसा नज़र आएगा। अब हम इसे कट करेंगे और इसके ऊपर कपड़ा चिपकाएंगे इस तरीके से। अब एक कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक मैंने लिया है और इसके ऊपर ये फ्यूज़ पेपर मैंने चिपका दिया है। इस फैब्रिक की लंबाई हम तकरीबन 13 इंच लेंगे और इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 इंच। और इसी तरह के हमें 2 पीसेस कट करके तैयार करने हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरह से तिरछी लाइंस ड्रॉ करेंगे। बहुत ही डार्क कलर में हमें ये लाइंस ड्रॉ करनी है और चॉक से ड्रॉ करनी है, ताकि जब हम इन्हें दूसरे कपड़े पर ट्रांसफ़र करें तो इजीली टैप होकर ट्रांसफ़र हो जाएं। इस तरीके से टैप करेंगे और इस तरफ भी ये लाइंस हमने ट्रांसफ़र कर दी हैं। इन लाइंस के बीच का गैप तकरीबन 1.5 इंच है। अब हमें इसके ऊपर लेस लगानी है, तो ये वाली लेस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए। तो जहाँ जहाँ पर हमने लाइंस ड्रॉ की थी उसके ऊपर ऊपर हमें ये लेस लगानी है। आप चाहें तो और भी किसी तरह की लेस इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत टाइप की लेसेस मार्केट में मिलती हैं और ये वाला स्टाइल भी बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। अब इस तरह से हमें इसके ऊपर लेसेस लगाना शुरू करना है। जहाँ जहाँ पर हमने लाइंस ड्रॉ की थी बिल्कुल वहाँ वहाँ हमने ये लेस अटैच करनी है इस तरीके से। लेस अटैच करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी हमें लेस को खींचना नहीं है, नहीं तो हमारे कपड़े में बल पड़ जाएगा। ये देखिए, लेसेस हमने अच्छे से लगा ली हैं। अब हम इसके बीच में इस तरीके से गोटा लगाएंगे। ये देखिए, हमने गोटा भी अच्छे से अटैच कर लिया है। अब इसके बीच में जोड़ लगाएंगे इस 2 इंच चौड़ी पट्टी से। ये पट्टी कुर्ते वाले रंग की ही है और इसको हम दोनों डिज़ाइनर पट्टियों के बीच में रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसकी सिलाई ऊपर की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से इसको अच्छे से सिल देंगे। अब हमें इसके तीनों तरफ भी एक फ्रेम बनाना है इस तरीके से पट्टियाँ जोड़ जोड़ के। ये देखिए, सबसे पहले मैंने नीचे वाले हिस्से पर पट्टी जोड़ी है। अब इसे फ्लैट करेंगे और इसके साइड में भी हम इस तरीके से एक पट्टी सिलेंगे। और अब इस तरफ भी हम इसी तरह से ये पट्टी स्टिच कर देंगे। पट्टी को अच्छे से स्टिच करने के बाद हम इसको खोल के अच्छे से इस पर प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद ये देखिए, इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे साइड से। तकरीबन 1/2 इंच पाइपिंग हमें बनानी है। सारा का सारा कपड़ा फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ और कच्चा टांका हमें लगाना है इसके ऊपर। अब हमारे ये पैच अच्छे से तैयार हो गया है और अब हम इसे कुर्ती के फ्रंट हिस्से पर ऊपर से तकरीबन 2 इंच मार्जिन छोड़ के बिल्कुल सेंटर में अटैच करेंगे इस तरीके से। अगर आप सिलाई में बिगिनर हैं तो आप पहले पिंस लगा के इसको बिल्कुल सेंटर में अटैच कर लें और उसके बाद ही सिलाई लगाएं, ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। अब इसके चारों तरफ लगाने के लिए मैं ये ग्रीन कलर की लेस ले रही हूँ, जो कि मेरे कुर्ती के कलर से बिल्कुल मैच कर रही है। बहुत ज़्यादा कलर्स मैं इस कुर्ते में इसलिए नहीं ऐड कर रही क्योंकि मैंने पहले ही इसमें ढेर सारी लेसेस लगा दी हैं और अगर अब हम इसमें ब्राइट कलर्स ऐड करेंगे तो इतना डिसेंट हमारा ये डिज़ाइन नहीं बनेगा, इसलिए बहुत ही कम कॉन्ट्रास्ट कलर आप इसमें इस्तेमाल करें। ये देखिए,
ये लेस इस तरीके से लगाने के बाद इस लेस के बिल्कुल साथ साथ एक वाइट कलर की लेस हमें लगानी है। मैंने ये वाली लेस ली है, आप चाहें तो जिगजैग वाली लेस भी ले सकते हैं, बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती हैं इस टाइप की लेसेस। ये देखिए इस तरह से हमें इसको लगाते जाना है बिल्कुल साथ साथ लेस के, और इसी तरह हमारा ये बहुत ही सुंदर पैचवर्क वाला नेक डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। अब ये लेस लगाने के बाद हम इसके ऊपर गला बनाएंगे, तो मैंने बोट शेप नेक इसके लिए कट करके रखा हुआ था, तो उसी गले को मैं इसके ऊपर बनाऊंगी अभी। आप अपनी पसंद का भी कोई गला इसके ऊपर बना सकते हैं। ये देखिए हमने ये नेक डिज़ाइन अच्छे से बना के रेडी कर दिया है, और इसके ऊपर मैंने ये गोल्डन कलर के बटन्स लगाए हैं। आप चाहें तो कपड़े के बने हुए बटन्स भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये मैंने गला भी इसके ऊपर अच्छे से बना दिया है और अच्छे से इसको प्रेस कर दिया है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।